हे फैम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। सो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें निकाल ली हैं, इंग्रेडिएंट्स एकदम रेडी हैं। पोटैटोज़ को, 3 पोटैटोज़ को अच्छे से क्यूब्स में, स्क्वायर क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की तरकारी। तो अभी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है मीडियम लो, और उसके अंदर अभी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। पोटैटोस ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि वो अच्छा सा इकले, अच्छे से कुक हो, ठीक है। आप ही, आपको अगर मेरी रेसिपी में थोड़ा कुछ आगे पीछे लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कंप्लीट रेसिपी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, ओके। सो गाइस, यहाँ पे अभी टाइम टू ऐड स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है टर्मेरिक पाउडर, 3 टीस्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर पोटैटोस ऐड करने के बाद। और अभी मैं ले रही हूँ थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, सो जो है 2 टीस्पून, ठीक है। वैसे तो मैं इसके अंदर चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकती थी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेस्ट और कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए चिल्ली फ्लेक्स। और अभी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। सो गाइस, सॉल्ट का तो ये है कि आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये बहुत ही ऑप्शनल होता है। एंड यहाँ पे जो है मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी, बिकॉज सब्ज़ी के अंदर अगर कलौंजी ना हो तो वो टेस्ट और वो फील नहीं आता सब्ज़ी वाला। इट्स टाइम टू कट ऑनियंस। तो मैंने मीडियम साइज़ का 1 ऑनियन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक सा, जैसे कि हम बघार में डालते उस तरीके से तड़का वाला एकदम स्टाइल में चॉप कर लेना है। फास्ट से ऑनियन को चॉप कर रही हूँ, कौन कटिंग बोर्ड निकाले, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह लेजी टाइप हो रहा था गाइस। सो अभी मैं जल्दी से ऑनियन को चॉप करती हूँ। एंड फिर ये देखो कि प्यारा सा इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स वेल कर रही हूँ, ये हल्का हल्का बॉयल हो रहा है। सो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स वेल करती हूँ, एंड फिर इसको हम कवर कर देंगे मीडियम लो पे 5 to 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। सो 5 मिनट्स लेटर। सो गाइज, आप देख सकते हो कि हमारा जो सब्जी है वो एकदम अपने फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा खिला पोटैटोस को जो हम अच्छे से जो है वो यहाँ पे मैश कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसे खड़ा खड़ा टाइप नहीं पसंद। और इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया पिकल्स, ठीक है, 2 टेबल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबल स्पून योगर्ट। सो मम्मा आ गई थी थोड़ा सा हेल्प आउट करने, 2 टेबल स्पून योगर्ट को अच्छे से मिक्स वेल करेंगे। एंड फिर उसके बाद अभी हम इसके अंदर तरकारी के अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि वो अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा कलर वो तरकारी वाला आ जाए। सो गाइज, एज यू कैन सी, मिक्स वेल करने के बाद इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है हमारा तरकारी। एंड इट्स टाइम टू सर्व। तो कचौरी के साथ हमने बहुत ही प्यार से मम्मा को सर्व किया। अब मम्मा टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा है। मजेदार। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइज, मैंने सारे चीज़ों को रैप अप किया, ब्रेकफास्ट हो गया, सब हो गया, उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ रिट्ज़ी। अच्छा, मुझे अंडर आर्म्स कराना है। DPL? हाँ, DPL, ठीक है, फर्स्ट टाइम करा लें। ओके, सही है, तो ट्रायल कर। हाँ ठीक है, DPL। और उसके बाद आपको फुल लेग्स करनी है। DPL? हाँ, DPL। ओके, फुल लेग्स करनी है। वेट, मीनवाइल। सो गाइस, ये नर्दिया है, हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, बिकॉज इन कपड़ों में तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल है DPL का, सो मैंने कहा वाई नॉट, हमें भी ट्राई करना चाहिए। सो मैं आ गई यहाँ पे, और मैं, मेरा फर्स्ट ट्रायल है, तो मैं लेती हूँ DPL, और उसके बाद फिर लेज़र हेयर रिमूवर जिसे कहते हैं। सो वो कराने के बाद, उसके बाद फिर लेट्स सी कि कैसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है। सो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, सो जल्दी से चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप समझते हैं। सो शी इज़ वेटिंग आउटसाइड, और जब तक मैं उन्हें ये गाउन दिया है, जल्दी से पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइज, मैंने गाउन पहन के एकदम रेडी हो चुकी हूँ DPL के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज मेरा फर्स्ट ट्रायल है। सो गाइज, मेरा DPL स्टार्ट हो गया था, तो पहले क्या हुआ कि मेरा शेविंग हुआ, ठीक है, इन्होंने शेविंग प्लेट से मेरा पहले शेविंग किया, उसके बाद फिर इन्होंने जो है
हैंड के ऊपर वॉश करने के बाद हैंड के ऊपर कोल्ड जेल लगाया था। गाइज मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, मुझे ऐसा फील आ रहा था मैं अंडर वाटर शूट कर रही हूँ, बिकॉज ना जो मैंने सन ग्लासेस टाइप पहने, जो मैंने स्पेक्स लगाए थे वो एकदम ब्लू थे, तो ऐसा लग रहा था मैं अंडर वाटर हूँ और ये सारी कूल वाइब्स मिल रही है मुझे साथ साथ। बट एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। जेल बहुत कूल था, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा जेल, एंड साथ में ये हीट वाला मशीन, ओहो मज़ा ही आ गया। एंड गाइस ये बिल्कुल पेनलेस होता है, तो वैक्सिंग से बहुत बेटर है कि आप डीप जेल करा लो। सो हर चीज़ को कराने से पहले पहले उसका फर्स्ट ट्रायल लो एंड फिर उसके बाद उसको करा। फिर मैं आ गई गाइस घर। हाय, हेलो, चॉकलेट शो मी। Wait, I give you. Wow. Oh, this is so chocolatey. You love it? You like it? मुश्किल होता है। नॉलेज मिलती है। दुबई वाले पागल हो गए भाई। बिपी, वाओ डॉग, ही इज मेकिंग डॉग। लुक व्हाट ही इज डूइंग। ओ व्हाट ही इज डूइंग। ये बेबी क्या कर रहा है भाई? What are you doing, baby? Baby. You want chips? You like it? Show me your face. Come, high five. Give me a high five. Wow, dog. Oh, what happened? Yeah, skip. Add, skip. Oops. Look at behind. पीछे देखो, पीछे. पीछे तो देखो. Wow, you love doggy? Baby, you love doggy? What is this? What he is doing? Wow! Why are you running? Wow, thank you. You want? Take, open your mouth. Come, show me. Come, sit here. सो गाइज ये तो सब चलता रहेगा, सो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मस्ट डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। लव यू गाइज, बाय, टेक केयर।